खूब कहा है, अगर इस दुनिया पे राज करना है तो बादशाह वाला भी एटीट्यूड रख और उनके जैसी पर्सनैलिटी बिल्ड कर। तो आज हम एक ऐसे ही पर्सन की बात करने वाले हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। तुमने थॉमस सेल्वी का नाम तो सुना ही होगा, जिसका एटीट्यूड हमेशा ट्रेंड में रहता है। तो आज हम थॉमस सेल्वी से जुड़ी तीन कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं, जिसको अगर तुमने अपने लाइफ में अप्लाई कर लिया तो यकीन मानो तुम्हारा भी एटीट्यूड बादशाह वाला हो। तो थॉमस सेल्वी का पहला एटीट्यूड, खुद को हर सिचुएशन में शांत रखना। इस दुनिया में 99% लोग बैड सिचुएशन में खुद को शांत नहीं रख पाते और हड़बड़ा जाते हैं, लेकिन थॉमस सेल्वी हर सिचुएशन में खुद को शांत रखते हैं, क्योंकि उनको पता है बैड सिचुएशन में घबराने से कई गुना अच्छा है कि वो इस सिचुएशन को समझे और उसको हैंडल करने की कोशिश करें, क्योंकि मुश्किल वक्त में घबराना और रोना ये बुजदिलों का काम है, शेरों का नहीं। और थॉमस सेल्वी का दूसरा एटीट्यूड, स्ट्रॉन्ग हैंडशेक। इस दुनिया में ज्यादातर लोग नॉर्मल सा हैंडशेक करते हैं, लेकिन थॉमस सेल्वी एकदम स्ट्रॉन्ग और कड़क हैंडशेक करते हैं, जिससे सामने वाले बंदे को लगता है कि सामने वाले बंदे के अंदर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस। और थॉमस सेल्वी का यही एटीट्यूड उनको दुनिया से अलग बनाती है। थॉमस सेल्वी का तीसरा एटीट्यूड, आई कॉन्टेक्ट। थॉमस सेल्वी जब कभी भी किसी से बात करते हैं तो आंखों में आंखें डालकर करते हैं, क्योंकि इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस झलकता है और आंखों में आंखें मिलाने से सामने वाला भी कॉन्फिडेंस फील करता है और वह तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट रहता है। और थॉमस सेल्वी का चौथा पॉइंट, स्माइल। थॉमस सेल्वी हमेशा नॉर्मल स्माइल करते हैं और वो भी क्रिटिकल सिचुएशन में। तुम जरा फील करो, जब ये पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे वक्त, तुम्हारा हालात तुम्हारे खिलाफ, तब स्माइल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और थॉमस सेल्वी ये चैलेंज हमेशा लेते रहते हैं। और थॉमस सेल्वी का पांचवा पॉइंट, फेयरलेस। थॉमस सेल्वी कभी भी किसी सिचुएशन में डरते नहीं है और उस वक्त एकदम नॉर्मल बिहेवियर रखते हैं। जरा सोचो, अगर तुम्हारे सर पे बंदूक रखे और खुद को एकदम नॉर्मल रिएक्ट कराओ, क्या तुम कर सकते हो? इसमें ज्यादातर लोगों का आंसर आएगा नहीं, लेकिन थॉमस सेल्वी ये सब बिल्कुल आसानी से कर लेते हैं और इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। और अगर थॉमस सेल्वी की तरह तुमको भी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनना तो ये पांच रूल्स अपनी लाइफ में अप्लाई करो और यकीन मानो कुछ ही दिनों में तुम्हारी लाइफ में चेंजेस मिलने लगे और तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे जैसी पर्सनैलिटी रखना पसंद करेंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।